हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू पराठा। आप देख सकते हो ये आलू पराठा हमारा एकदम फूला फूला बना है। आज हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये आलू पराठा बनाएंगे। आपका इस तरह से आलू पराठा कभी नहीं फटेगा। और साथ में हम दो तरीके से बनाएंगे। अगर आपको ये राउंड वाला नहीं पसंद हो तो आप इसे ट्राइंगल में भी बना सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं मेथी आलू पराठा की रेसिपी। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे उबले हुए आलू। आलू को मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही इसे उबाल लिया था। और इसे अच्छी तरह से आप ठंडा कर लीजिएगा, फिर बाद में आप इसके आलू पराठे बनाएंगे। साथ में हमें इस आलू को ओवर कुक नहीं करना है, हमें कभी यहाँ पे आलू को बॉईल करना है, वरना ये पानी पी जाएंगे और हमारा जो स्टफिंग है वो एकदम ढीला ढीला बनेगा, यानी कि एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है और इसे हम इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना धनिया, साथ में हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, 1 बड़ी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितनी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ में 1 छोटी चम्मच जितना आमचूर पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हमें आमचूर पाउडर का यूज़ करना है, नींबू का यूज़ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच जितना आमचूर पाउडर लिया है। साथ में हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मिश्रण हमें पहले से नहीं बना लेना है, हमें जब आलू पराठा बनाना हो तभी बनाएंगे, मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो ये मिश्रण हमारा रेडी है। अब आप देख सकते हो ये जो हमारा स्टफिंग है वो एकदम सॉफ्ट बना है, हमें इतना सॉफ्ट नहीं रखना है। तो हम इसमें आटा डालेंगे। आप यहाँ पे कोई भी आटा ले सकते हो, आप यहाँ पे चावल का या फिर गेहूं का आटा ले सकते हो। मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। आपको यहाँ पे जितना ये सॉफ्ट हो आटा उतना ही इसमें डालना है। आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, वरना फिर आपको आटे का टेस्ट ज़्यादा आएगा आलू पराठे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा ही यहाँ पे डालना है और मिक्स करते जाना है। हमें यहाँ पे अपनी जो स्टफिंग है वो और जो हमने आटा लगा के रखा है वो दोनों एक सर गीला होना चाहिए। हमें यहाँ पे आटे को इतना ही गीला रखना है जितना हमने आटा लगाया था, यानी कि दोनों मिश्रण हमें एक सर के ही रखने हैं। तो आप देख सकते हो हमारा आलू का आटा बन के रेडी हो चुका है। हमें इतना ही लगाना है जितना हमने यहाँ पे पराठा का आटा लगाया है। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे ही पराठा का आटा लगा के रखा था और इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक इसे छोड़ दिया था। अब जब भी आटा लगाए तब आप उसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल ले, फिर 15 से 20 मिनट तक इसे रेस्ट करने के लिए दिए ताकि हमारा जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। और जब मैंने आटा ये लगाया था तब उसमें मैंने थोड़ी सी मेथी भी डाल दी थी। अब देख सकते हो ये मेथी वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें से लुइया बना लेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा बनाना हो उतनी आप लुइया बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है और इसमें हम इसे बेल लेंगे। आपको जितना मोटा रखना है उतना आप उसे बेल सकते हैं। फिर बाद में हम बीच में इसे मसाला भर देंगे। आज हम ट्रायंगल पराठा भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप दे दिया है इसे। तो ऊपर से मैंने आटे को छिड़क दिया है और इसे अच्छी तरह से हम दबा देंगे ताकि ये स्टफिंग में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसे दबा देंगे। अगर आपको इसे अभी बेलना हो तो आप बेल भी सकते हो और हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा के भी सेक सकते हो। आपको जितना थिक चाहिए उतना आप पराठा इस तरह से बेल सकते हो। अब हम बनाएंगे जो नॉर्मल जो राउंड वाला पराठा होता है वे। आप देख सकते हो मैंने एकदम बड़ी लुई बनाई है और इसकी हम कटोरी बना लेंगे। अगर आपको बीच में से थोड़ा सा आटा चिपकता हो हाथ में तो थोड़ा सा इसे सूखा आटा डाल के इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे, ऐसी कटोरी बना लेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कटोरी की जो साइड है वो एकदम पतली रखनी है और बीच वाला पार्ट है थोड़ा सा जाड़ा रखना, यानी कि मोटा रखना है। इसे दबाते जाएंगे और कटोरी बना लेंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्टफिंग ज़्यादा रखा है। हमने जो आटा की लुई ली थी उससे भी ज़्यादा हमने यहाँ पे स्टफिंग भरा है। ऊपर से फिर से हम सूखा आटा डाल देंगे ताकि जो हमारा आलू का जो मसाला है वो हमारे पराठा के आटे में चिपके ना,
स्टिक ना हो जाए और हम अच्छी तरह से इसे सील कर सकते, वरना ये अच्छी तरह से सील नहीं होगा और हमारा आलू पराठा फट जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से इसे पैक कर दीजिएगा और फिर हाथों से ही इसे थोड़ा थोड़ा सा फैला लीजिएगा। फिर हमने जो सूखा आटा लिया है उसमें रख दीजिएगा और इसे बीच में से थोड़ा थोड़ा फैलाते जाइएगा। अब मैं इसे उल्टा कर दूंगी और इसे बीच में से थोड़ा थोड़ा सा इसे फैलाते जाऊंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे आप बीच में से ही फैलाना है, आपको कॉर्नर से नहीं फैलाना है वरना ये फट जाएगा। तो हम इसे बीच में से फैला लेंगे, फिर इसे उल्टा कर देंगे और इसे बेल लेंगे। बेलने में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे एक ही डिरेक्शन में इसे बेलना है। आप देख सकते हो मैंने इसे एक ही डिरेक्शन में बेला है। आप इस तरह से बेलेंगे तो आपका आलू पराठा कभी नहीं फटेगा। बाद में हमें जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे इस तरह से, ताकि हमें इसे अच्छी तरह से सेक सके। फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा। अगर आप चाहे तो स्लो मीडियम फ्लेम पर भी इसे सेक सकते हो। आपको एकदम क्रिस्पी चाहिए तो स्लो मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा और एक साइड सेक जाए फिर दूसरी साइड भी हमें इसे सेक लेना है। फिर बाद में हम इसे मक्खन डाल के सेकेंगे। आधा पक जाए फिर बाद में ही इसमें मक्खन डालिएगा, ताकि अच्छी तरह से सभी साइड। इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में पलटाते रहना है और सभी साइड्स अच्छी तरह से कुक कर लेना है। आपको चाहिए इतना आप मक्खन डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे इस पराठे को मक्खन में ही सेका है। आप इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हो या फिर घी भी ले सकते हो। आप देख सकते हो हमारा पराठा एकदम फूला फूला बना है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका पराठा भी एकदम फूला फूला ही बनेगा। आपको ये पराठा एकदम क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे पलटाते रहना है और अच्छी तरह से इसे सेकते रहना है। तो आप देख सकते हो हमारा पराठा बनके रेडी हो चुका है। आप इस तरह से ट्रायंगल पराठा का भी सेक सकते हो। आप इसे बटर, ऑयल या घी में भी सेक सकते हो। इसे भी हमें पलटाते रहना है तब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक हमें इसे पलटाते रहना है। तो आप इस देख सकते हो ये एकदम क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे प्रेस करते रहेंगे और इसे पलटाते रहेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा पराठा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे दही के साथ, चाय के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हो। ये टेस्ट में बहुत बढ़िया बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो आप इंजॉय कीजिए ये आलू पराठा। हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।